मेरा नाम भी रेशवती। सब लोग औरत हैं यहाँ की, मिलजुल के कोई लकड़ी लाती है, कोई घास लाती है, तो अपना गुजारा करते रहती है, ऐसे भी बच्चों को पालती है, तो यही है यहाँ। मुझे हुआ दर्द 7 बजे सुबह। मैंने कहा चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं नीचे, मैं ऐसी कमजोर हूँ, कहीं आगे मुझे परेशानी हो जाएगी। यहाँ से तो मैं अच्छे से गई, नीचे गई, वहाँ पानी है, और मैं रुक गई वहाँ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो मर रही। और तब बोला इन्होंने जो मैं बलू पर जा रहा हूँ घर, तू यहाँ रुक जाना, मैं घर से आदमी लेके आ रहा हूँ, कुर्सी लेके आऊँगा। पतुली वहाँ से खड़ी नहीं उठ रही, और जिस टाइम के लिए ही आया उस टाइम के लिए लड़का बच्चा पैदा हो गया था। तो जब पैदा हुआ ये आया भी नहीं, तो उस टाइम जिस टाइम मेरा बच्चा पैदा हुआ, अब क्या करे, यहाँ तो तागा नहीं और बिलेट नहीं, अब क्या करे। तो जब मम्मी ऐसी घूमी तब देखा उसने कतर के ऊपर बैठा रखा, पता नहीं कुदरत ने क्या कर दिया भगवान ने, ऐसा बिलेट वहीं पत्थर के ऊपर बैठा रखा। तब बोला मम्मी ने चलो टेंशन खत्म हो गई, ये तो है बोले बिलेट यहीं, चलो काट लेते हम। तब काटा वो नाल, और उसके बाद तागा स्वाटर का निकाला मम्मी ने, तब बांधा उसका ना। जिस टाइम के लिए ये आ गई थी उस टाइम के लिए हम आधे रास्ते से आ गई थी ऊपर, कहाँ यहाँ सुविधा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, दर्द की गोली नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बच्चा को पैदा करना है, कैसे भी करेगी, कोई कोई लोग तो मर ही गए,